नमस्कार, पिंटू मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप लोग को न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। आइए पहले आप लोग को उसका प्रॉब्लम क्या था वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि पॉल बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, दाना जैसे हो जाता था, तो इसी का सोल्यूशन हम लोग बनाने वाले हैं। ये देखो, जैसे कि स्टार्ट देखो एक जैसे है, ये सब सेटिंग एडजस्ट करने वाला हूँ। सिर्फ सामने वाला 3-3 इंच आप लोग को रखना है, अंदर का 2.5-3 इंच रखेंगे तो पॉल ज़्यादा ना कटेगा, एकदम लंबाई पॉल निकलेगा उधर। देखो जैसे कि एक जैसे स्टोर है, ये सब एडजस्ट करना है आप लोग को। सामने वाला सिर्फ लंबाई रहेगा 3-3 इंच, बाकी सब एडजस्ट करना है। ये देखो आप लोग को दिखा रहा हूँ, 1-3 इंच, 1-2.5 इंच ऐसे ही रहेगा, तो आप लोग को भी ऐसे रखना है। देखो सब दिखाई दे रहा है आप लोग, एक तो बड़ा एक तो छोटा भी है, ऐसे ही आप लोग को रखना है। और सामने वाला देखो एक जैसे ही रखा हूँ, जिस साइड से धान निकलता है उसी साइड से ज़्यादा शीशा आ रहा था। शीशा के मतलब जो खेड़ आ जाता है, इसलिए मैं वो प्लेट जाले के पीछे की तरफ से दे दिया हूँ, नट बोल्ट सिस्टम कर दिया हूँ। आप लोग को भी, आप लोग का मिसिंग भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे। एक दोनों जाली में आप लोग को भी देना है, एक तो छोटा है एक तो बड़ा। बड़ा वाला जो आता है सामने वाले में लगेगा, और छोटा वाला जो है वो पीछे वाले पीछे साइड में देना है आप लोग को। जो प्यार जो फिक्ट है उसी साइड से आप लोग को देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड धान में ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग भी ऐसे दे सकते हैं। आपका मिसिंग में ऐसे पोले मार रहा है तो एकदम बारीकी से धान निकलेगा ऐसे पिल्ले देने से। एक ही देने से भी हो जाता है, हम लोग दो दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से निकल पाएगा बोल के। जब भी आप लोग को स्टोर खोल रहे हो तो अच्छे से ट्रीट मारना है आप लोग। देख रहे जैसे हथौड़ी से मार मार के ट्रीट कर रहे हैं हमारे घर का, तो ऐसे आप लोग को भी ट्रीट करना है। जब खुल जाएगा बहुत दिक्कत हो जाता है। ये देखो इसका सिस्टम, नीचे की तरफ से हम लोग को दे दिया हूँ प्लेट। ये एक तो छोटा दे दिया हूँ, 6-6 फीस बोल्ट दे के टाइट किया हूँ तो मजबूत रहेगा। ये बड़ा वाला ये धान लगाना साइड में लगेगा वो, और छोटा वाला वो पॉल जो फेंकता है उसी सेट से लगेगा। आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, आप लोग को पतला भी लेने से चलेगा। ये देखो छोटा वाला सेट से लगा दिया हूँ, और बड़ा वाला उसी सेट से डालेंगे जो धान लगाते हैं उसी सेट से, तो एकदम से बारीकी से धान निकलेगा, ज़्यादा शीशा भी नहीं आएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।